तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इफ फॉर्मूला। हमने कल इफ फॉर्मूला के कुछ एग्जांपल बताए थे, आज हम उससे आगे की तरफ बढ़ेंगे और इफ के एग्जांपल बताएंगे। और ध्यान रखिएगा, इफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसकी जरूरत जो है हमेशा पड़ती रहती है, इसलिए थोड़ा सा उसको स्लो पढ़िएगा और अच्छे तरीके से पढ़िएगा। तो यहां पे हम बात करते हैं इफ फॉर्मूले। तो मैं कुछ यहां पे फिगर रखता हूं, और मुझे क्या करना है इसमें, चेक करना है कि ग्रेटर देन 50 है या नहीं। जैसे कि मैं बताया था कि हम चेक करने के लिए जस्ट इस पे हम ग्रेटर देन 50 लगा दे और फिर नीचे ड्रैग कर दे, तो ये देखिए आपके सामने रिजल्ट आएगा ट्रू एंड फॉल्स में। लेकिन मुझे यहां पे ट्रू एंड फॉल्स नहीं चाहिए, मुझे यहां ट्रू एंड फॉल्स नहीं चाहिए। हमें इस पे अपना एक रिजल्ट चाहिए, तो उस केस में यहां हम इफ फॉर्मा लगाएंगे, इफ और सिलेक्ट कर देंगे अगर ये ग्रेटर देन 50 है तो यहां पे ओके आई अदरवाइज पेंडिंग है। आपके सामने ओके और पेंडिंग। लेकिन मान लीजिए कि मुझे यहां चेक करना है दो कंडीशंस में, कि 85 टू 95 के बीच में अगर कोई है तो मुझे यहां पे रिजल्ट चाहिए ग्रेटर देन 50। क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए हम इफ फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इसमें हम एंड का इस्तेमाल करेंगे। एंड क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एंड का। एंड का फॉर्मूला क्या करता है, तब देख लीजिए कि एंड का फॉर्मूला हमने इस पे रखा, हमने बोला कि ग्रेटर देन 50 और फिर इसको सेलेक्ट किया और बोला लेस देन 60 नहीं, यहाँ पे 95 और यहाँ पे हम 80 डालेंगे, एंटर करेंगे तो रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। एंड के अंदर में आप मोर देन वन कंडीशन डाल सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 कंडीशंस आप यहां पे डाल सकते हैं, मोर देन वन कंडीशन यहां डाल सकते हैं, आपका रिजल्ट यहां पे आएगा। लेकिन मुझे इस पे ओके और पेंडिंग का रिजल्ट चाहिए, तो मैं यहां पे इफ कंडीशन यूज करूंगा और इफ कंडीशन में बोलूंगा कि एंड का रिजल्ट ट्रू है तो यहां पे ओके, अदरवाइज पेंडिंग है, इस तरह से आएगा। तो सिर्फ हम ओके पेंडिंग ही नहीं दे सकते, हम इस पर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहां पे हमारा बेसिक सैलरी दिया गया है, तो यहां पे बेसिक सैलरी मैं यहां पे लगा देता हूं एंड बिटवीन, मैं यहां पे 8000 से लेकर 20000 डालता हूं। मुझे क्या कर रहा है कि मुझे इसका पीएफ कैलकुलेट करना है, क्या करना है, पीएफ को कैलकुलेट करना है। बट पीएफ कैलकुलेशन का रूल यह है, मान लीजिए कि अगर बेसिक सैलरी अगर 15000 से ऊपर हुई तो हमें 12% कैलकुलेट करना है,
नहीं तो हमें 1800 सिंपली दे देना है। ओके, तो यहां पे इसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे इफ का। इफ अगर ये ग्रेटर देन 15000 है तो हम सिंपली यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में रिजल्ट लिखते थे, ये ना लिख के हम इस पे मल्टीप्लाई बाय 12% कर देंगे इस तरह से, नहीं तो 1800 इस तरह से लेंगे। आ गया 12% किसका लिया सर? इसका 89 का है। हाँ, इसका 1800 तो नहीं आएगा सर? नहीं, यहाँ पे दिया हुआ कि अगर 1500 से ऊपर है तो 12% निकालना है, नहीं तो फिक्स कर देना 1800। समझे? जी जी, ठीक सर, समझे। यहाँ देखिए 15000 से ऊपर है, यहाँ 17000-18000 है, तो इसने कैलकुलेट किया है, नहीं तो यहां 1800 फिक्स कर दिया सर। ओके, डाउट इसमें? तो इस तरह की कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। अब यहां पे हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं कि हमें एंड का यूज देखना है, तो एक हमारे पास रिजल्ट शीट हमें तैयार करनी है, राइट? तो यहाँ पे मैं जो है थोड़ा सा नेम वगैरह देता हूँ कि सब्जेक्ट के नेम, कि सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री, इस तरह से। सब्जेक्ट फोर, और यहां हम रैन बिटवीन से यहां पे रिजल्ट दे देते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि हमें यहां पे पास्ट और फेल डालने हैं, पेस्ट वैल्यू। हाँ, हमें यहां पे रिजल्ट देना है, और रिजल्ट का हमें ये रूल क्या रखना है, रिजल्ट का रूल रखना है कि अगर हर सब्जेक्ट के अंदर, जितने भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट के अंदर अगर ग्रेटर देन 50 हुआ, सारे सब्जेक्ट के अंदर ग्रेटर देन 50 हुआ तो रिजल्ट आना चाहिए पास, अदरवाइज फेल। तो एक इफ के साथ तो एक ही कंडीशन लगा सकते हैं, बट यहां पे चार कंडीशंस हैं, तो यहां पे हम फॉर्मूला एंड का लगाएंगे। एंड हम सिलेक्ट करेंगे कि अगर ए ग्रेटर देन 50 है, आपको ये 30 है, फिर इसको सिलेक्ट किया कि क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, फिर इसको सिलेक्ट किया क्या इक्वल टू ग्रेटर देन 30 है, और फिर इसको सिलेक्ट किया क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है। अगर सारा रिजल्ट सही होगा तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अब मुझे इस ट्रू फॉल्स को फेल और पास में कन्वर्ट करना है, तो इसके आगे जाहिर सी बात है कि हम इफ लगा देंगे और यहां पे देंगे पास, यहां पे देंगे फेल। फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। आ गया। देखिए, इसको और तरीके से लगाया जा सकता है, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला काउंट इफ का भी है, तो हम काउंट इफ से भी इसको यूज कर सकते हैं और आसानी होगी। काउंट इफ, और हम इसका यूज करेंगे और यहां पे देते हैं इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो ये आपको काउंट करके दे देगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 30। यहाँ पे हमने इन्वर्टर कॉमा क्लोज नहीं किया था, हम इन्वर्टर कॉमा को क्लोज कर देते हैं, हम नीचे ड्रैग करते हैं।
जो चार रिजल्ट आया मतलब कि उसके चारों में ग्रेटर देन 30 है, तो यहां पे आप पास और फेल यूज करेंगे कि इफ अगर ए इक्वल टू 4 है तो यहां पे पास आए, अदरवाइज फेल आए। ते ए उससे अच्छा है ना सर, ये जो एंड है एंड से अच्छा है क्या राकेश जी? ठीक है सर जी, ठीक है ना। अब आप लोग मुझे बताएं कि मैं एक बार एक काम करता हूँ, दोनों को कंपेयर करवाता हूँ। यहाँ पे एक का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है फॉर्मूला टेक्स्ट, बताता है कि इसमें क्या फॉर्मूला लगा है। आप लोग अब मुझे ये समझाइए कि ये जो फॉर्मूला हमने लगाया इसको हम काउंट वाला फॉर्मूला हमारा बेटर लग रहा है क्योंकि इसमें हमें एक एक सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इन दोनों के बीच में आप ये बताइए कि आखिर हम कौन से फॉर्मूले को कहाँ यूज नहीं कर सकते, क्या सिचुएशन होगी जो हम काउंट को यूज नहीं कर पाएंगे, बताइए राकेश जी यार बाकी लोग। राकेश जी क्या हुआ सर? नीचे वाले फार्मूले में अगर पासिंग मार्क्स कम ज्यादा अगर दे दिए ना तो नीचे वाला फार्मूला काम नहीं करेगा। जी हाँ, एंड देखिए काउंट इफ का हम यूज तब करेंगे जब हमारे पास सेम कंडीशन होगा सब में। अगर कंडीशन अलग अलग हुए कभी में कोई किसी में कुछ किसी में कुछ तो आपका नीचे वाला ये फार्मूला वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान आप लोग रखिएगा। अगला बात आती है कि मान लीजिए मैं एचआर में हूं और मुझे आईडी प्रूफ सबमिट करने हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, तो यहाँ पे हमने हमारे पास नेम है और आईडी में है पैन, हम पैन ले सकते हैं, हम वोटर आई कार्ड ले सकते हैं, हम यहाँ पे पासपोर्ट ले सकते हैं, बाद यहाँ पे डीएल भी हो सकता है, यहाँ पे यूआईडी भी हो सकता है, स्टेटस में पेंडिंग एंड ओके चाहिए। तो जो मान लीजिए कि पूजा का है यहाँ पे, सॉरी पूजा है और भी चीज हो सकती है, तो यहाँ पे पैन दे दिया है। अब जरूरी है कोई एक ही देगा, कोई भी दे सकता है कि पैन और डीएल दे दिया, किसी ने वोटर आई कार्ड और यूआईडी दे दिया, किसी ने सिर्फ वोटर आई कार्ड दे दिया। तो मुझे यहाँ पे चेक करना है कि अगर किसी एक में भी अगर वाई है तो स्टेटस में ओके आना चाहिए। अब एंड का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि एंड का फॉर्मूला क्या करता है कि हर एक सेल में कंडीशन चेक करता है, सारे कंडीशन है तो यहाँ पे ओके करता है, अदरवाइज पेंडिंग करता है। यहां पे हम और लगाएंगे जो कि एंड का जस्ट विपरीत होता है, और एंड का जस्ट विपरीत होता है। ठीक है, और हम पहले को सिलेक्ट किए और इक्वल टू यहाँ हुआ है। अब इसमें जरूरी नहीं कि बड़े छोटे का फर्क ना रखना हो क्योंकि एक केस सेंसिटिव नहीं होता।
दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इक्वल टू वाई वापस इसको सेलेक्ट करते हैं इक्वल टू वाई, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं दैट इज इक्वल टू वाई, इसको सेलेक्ट करते हैं दैट इज इक्वल टू वाई। सर अगर किसी एक में भी इसको वाई मिला तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है सर, बट इसको ट्रू एंड फॉल्स को हमें कन्वर्ट करना है ओके एंड पेंडिंग में, तो यहां पे इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और यहां पे हम कर देंगे ओके। आपको सामने रिजल्ट आ गया। ठीक है सर, अब इसमें एक चीज और भी है कि मैं यहां पे एक फॉर्मूला आता है काउंट ए, काउंट ए को भी लगा सकता हूं, सॉरी काउंट ए को भी लगा सकता हूं। तो काउंट ए को हमने सिलेक्ट कर लिया और इसको एंटर मारता हूं तो रिजल्ट आता है टू। अब यहां पे मैं इफ कंडीशन दे सकता हूं कि इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो यहां पे आएगा ओके, अदरवाइज पेंडिंग, आपके सामने आ गया। इसका यूज कर सकते हैं, यहां भी वही है कि अगर अलग अलग हुआ या यहां पे यस नो हुआ फिल हुआ तो वर्क नहीं करेगा, तो आप अपने हिसाब से ध्यान रखिएगा। ओके सर, लेकिन अगर इसी में मैं एक कर दूं कि मेरे पास मल्टीपल कंडीशन है कि मुझे इसमें से दो चाहिए, पैन तो मुझे चाहिए ही चाहिए, पैन के अलावा इन सब में से कोई एक चाहिए, तो उस केस में मैं यहां पे फॉर्मूला एंड का लगाऊंगा। एंड फॉर्मूले में पहले हम इसको सिलेक्ट करके यहां इक्वल टू वाई कर देंगे और फिर और फॉर्मूला लगाएंगे और में हम इसमें इस वन बाय वन इसको देख कि यहां इक्वल टू वाई है कॉमा, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे यहां पे इक्वल टू वाई है कॉमा, इसको सेलेक्ट करेंगे क्या ए इक्वल टू वाई है, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे क्या इक्वल टू ए वाई है, फिर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ट्रू आएगा। मतलब कि अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे आएगा, क्योंकि प्लीज म्यूट कर लें। तो यहाँ पे जो देखेंगे आप, अगर मैं यहाँ तो टेबलेट में यहाँ पे जाते हैं वाई, यहाँ आपका वाई दिख रहा है आपको सर, फॉल्स 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 फॉल्स। अब एंड और को एक भी ट्रू मिलेगा तो रिजल्ट ट्रू देगा, और एंड को दो ट्रू चाहिए, ये आपके सामने दो ट्रू का दिखा रहा है, रिजल्ट आपके सामने ट्रू हो गया। तो ये आपका एंड और को इस तरह से मिक्सअप कर सकते हैं। एक आपके सामने एक्स वाई भी होता है, एक्स वाई मतलब
कि मैं अगर यहाँ पे ये बोलूँ कि मुझे दिल्ली या पुणे में किसी एक का चूज करना है, तो मैं दोनों चूज नहीं कर सकता और दोनों को ब्लैंक नहीं छोड़ सकता, कोई एक पे वाई होगा और किसी एक पे वाई होना चाहिए, दोनों पे नहीं होना चाहिए और दोनों पे ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हमारा एक्स और काम करता है, हमने इसको सिलेक्ट किया इक्वल यहां पे वाई दे दिया, फिर इसको सिलेक्ट किया दैट इज इक्वल वाई दे दिया। अब दो पे, अब यहां पे फॉल्स आया, अगर मैं किसी एक पे वाई कर दूंगा तो ट्रू आएगा, कोई एक ही जरूरी नहीं कि यहां भी हो सकता है, ए कर दिया हमने, दोनों पे करूंगा तो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो एक्स और था। तो आज की क्लास में हमने आपको एंड के बारे में और इफ और एंड को कैसे इंक्लूड करते इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया। अब इसकी आप प्रैक्टिस आप कर लें, कल हम बात करेंगे नेस्टेड इफ के बारे में, मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड इफ, एक के अंदर कैसे इफ डालते हैं, इसके बारे में हम आपके साथ कल डिस्कशन करेंगे। ओके कोई डाउट है आप लोगों को? और इफ की कुछ प्रैक्टिस कीजिए, कुछ एग्जांपल भेजिए, तभी मैं इसमें कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ऐड कर पाऊंगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल अभी मैं ऐड नहीं किया क्योंकि आप लोगों की तरफ से कुछ आया नहीं है। सो प्लीज आप दीजिए ताकि कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल को हम ऐड कर सके। और इफ पे ज्यादा फोकस कीजिए सर, क्योंकि इफ पे अगर फोकस नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी आगे वीवीए वगैरह में भी आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी सर, इसलिए प्लीज। ओके तो मिलते हैं कल सेम टाइम।